मैं मुन्नाराम प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका दावत। आज हमारे दावत प्रखंड में संकल्प जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड सिमरी का जो आम सभा है, वार्षिक आम सभा है, और इस वार्षिक आम सभा में सभी समूह का सदस्य जो दीदी हैं वो आती हैं। आज हम लोग इस वार्षिक आम सभा में जो एक साल किए हुए हैं उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं कि सीएलएफ ने क्या क्या कार्य किया और आगे क्या सीएलएफ का प्लान है वो यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, सभी को बताया जाता है और यहाँ पारित कराया जाता है। उसी के उद्देश्य से हमारे यहाँ वार्षिक आम सभा हर एक साल होता है और आज भी वही हो रहा है। इसमें सभी सीएलएफ के 12 बोर्ड दीदी होती हैं जिनको वित्तीय अधिकार दिया हुआ है, वो दीदी अभी मंच पर यहाँ मुचर्सीन है। इसके अलावा जो नीचे हैं सभी सदस्य दीदी हैं जो यहाँ आती हैं, सभी गुणों के द्वारा यहाँ पारित किया जाता है। इसके अलावा जैसे अभी हम लोगों का ब्लॉक में जिनका अधिकार केंद्र खोलना है जो कि जेंडर पर चर्चा होगा, सिर्फ जेंडर की बात करेंगे, जो भेदभाव हो रहा है समाज में, जो लड़का लड़कियों में भेदभाव हो रहा है उसका, जो बहुत सारी दीदी ऐसी हैं जहाँ की लोग शराब पी कर कुछ उस तरह से करके मारपीट करते हैं, तो उसकी समस्याओं को प्रखंड स्तर पर हम लोगों का एक प्लान है अभी खुलने का, उसको हम लोग एक दिन माह के अंदर में उसको खुलने जा रहे हैं, तो उसके भी यहाँ चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो जो भी जीविका के द्वारा कार्य किया जाता है, रोजगार के माध्यम में बहुत सारे रोजगार अभी हम लोग करवाए हैं, इंटरप्राइजेज करवाए हैं, छोटे छोटे आपका दुकान खुलवा रहे हैं या बकरी है, मुर्गी है, जो भी चल रहा है अभी, उस सारे चीज़ों के यहाँ बताया जाता है कि कितना आमदनी हुआ, कितना दीदी का अभी प्रॉफिट हुआ, कितने लोग जुड़े हैं, सब उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य है कि कुछ ऐसी दीदी हैं जिन पर जरूरत पर दवा के नाम पर पैसे की व्यवस्था, अगर किसी को ऑपरेशन कराना हो जाए या किसी को इमरजेंसी हो जाए तो पैसा खोजने लगती है तो मिलता नहीं है, तो जो मिलता नहीं है तो उनका परेशानी और बढ़ जाता है। तो सरकार ने आपके पक्ष से आवश्यकता अनुसार इलाज कराने के लिए ले सकती है, टोटल 25 लाख रुपए आया हुआ है। इसके अलावा बिजली की राशि 11,20,000 रुपए आया हुआ है। इसके बाद आपको सदस्यता शुल्क जो आप दिए हुए हैं एक टोटल सीएलएफ में